पुलिस ने एक ऐसे शातिर एटीएम चोर गिरोह को पकड़ा है जो वारदात कर फरार हो जाते थे। इन आरोपियों के खिलाफ कई राज्यों में अपराध दर्ज है। आरोपियों ने गरियाबंद में एटीएम चोरी के दौरान पुलिस के ऊपर देशी कट्टा से हमला किया था। पुलिस की टीम ने बड़े मशक्के के बाद चार आरोपियों को पकड़ा। मामले में आईजी आनंद छाबड़ा, गरियाबंद एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गरियाबंद पुलिस को 5 और 6 जनवरी की रात मुंबई से सूचना मिली कि कुछ आरोपी उड़ीसा से एटीएम चोरी की वारदात कर गरियाबंद पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस ने सूचना मिलने के दौरान ही आरोपियों की तलाश में निकली। पुलिस ने देखा कि 5 व्यक्ति पिकअप वाहन से एटीएम को बांधकर खींच रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपियों ने देसी कट्टा से फायरिंग की और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस की टीम ने उनका पीछा करते हुए इन आरोपियों को मोहेरा नाले के पास इन आरोपियों को पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है और एक आरोपी अभी भी फरार है। लगभग 3 बजे गरियाबंद में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़ कर चोरी करने का प्रयास हुआ। एटीएम से सेंसर रिस्पॉन्स मुंबई कंट्रोल रूम को गया। मुंबई कंट्रोल रूम से गरियाबंद कंट्रोल रूम में मैसेज आया कि उनके एटीएम के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ का मैसेज आया है। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स वो मैसेज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को फ्लैश होकर हमारी पीसीआर गरियाबंद की वहां स्पॉट पे पहुंची। स्पॉट पे 5 आरोपी पिकअप में एटीएम को खींचने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने इस तरह की वारदात ओडिशा में भी की। ओडिशा से जो वाहन इन्होंने प्रयोग किया वो ओडिशा से चोरी किया हुआ वाहन था। यहाँ पर ये सारा जो पिक्चर बनी और ये जो सारी चीजें पकड़ में आई वो सब लोगों के होता है कि एक अच्छा सजगता के कारण ये कार्रवाई संपन्न हुई। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, वेपन बरामद है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।